Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to continue with our chapter number 4, which is all about agriculture, and we'll learn few more new concepts regarding it. Hi everyone, so today we are going to start the remaining part of our chapter number 6, which is all about agriculture. In my first part I have shared the concept and the meaning regarding the important terms. And we have understood the meaning and also about the three major activities that are happening in our economy. So continuing with that very chapter, this is the part 2 of our chapter number 6. Let's see what all we are going to study today. Today let's first understand the meaning of farm system. Farm system kya hai? When I say farm system, it includes a system. Kaun sa system? Jiske andar important inputs dekhenge. कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग करने के लिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इनपुट्स दैट दिस सिस्टम रिक्वायर्स. ओके भाई, फार्म सिस्टम के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर या फार्मिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है. द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले इनपुट आता है, फिर प्रोसेस बनेगा और उसके बाद आउटपुट निकल के आएगा. नहीं आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ फार्मर, मेरे पास लैंड है, मुझे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है. सपोज आई वॉन्ट टू ग्रो वीट इन माई फील्ड, ठीक है, मुझे गेहूं उगानी है. उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा? आई विल बी नीडिंग द मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स. ओके, ऑल्सो आई विल बी नीडिंग द सीड. अगर मेरे पास बीज ही नहीं होंगे तो फसल कहाँ से उगेगी, राइट? एंड ऑल्सो द केमिकल्स, जिससे मेरे फसल को कोई खतरा ना हो, कोई भी इंसेक्ट से खतरा ना हो, राइट? केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यूज करूँ मैं ताकि मेरी फसल अच्छी रहे, नुकसान ना हो किसी भी इंसेक्ट की वजह से मेरी फसल को, राइट? तो ये तो थे मेरे इनपुट कि मैं ये सारे इनपुट यूज करूँगी जिससे मेरी फसल उगेगी. फिर क्या हुआ इनपुट के अंदर कि मैंने प्लॉगिंग की. प्रोसेस इनपुट के बाद आता है प्रोसेस. प्रोसेस के अंदर क्या आएगा? प्लॉगिंग. पहले मैं खेत बहाऊंगी, फिर देन आई गो एंड सो द सीड, सोइंग करूंगी, बिजाई करूंगी, और देन रेगुलरली मैं स्प्रे भी यूज करूंगी ताकि मेरी फसल खराब ना हो. ये हो गया इसका प्रोसेस कि मैंने लगाया अपने पूरे क्रॉप्स को, सीड्स को लगा दिए फील्ड में. वंस द टाइम पीरियड इज ओवर, तब ये पूरी फसल पक के तैयार हो जाएगी, राइट? तो मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट. आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? द क्रॉप्स जो मैंने उगाई थी. यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने वीट उगाए तो मेरे को गेहूं मिलेगी. आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि फार्म सिस्टम के अंदर क्या इम्पोर्टेंट हमारे प्रोसेस रहता है और क्या क्या इनपुट हम यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो मैंने आपको बताया पूरा फार्म सिस्टम क्या है कि इनपुट रिक्वायर्ड है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट निकलता है. इनपुट के अंदर क्या क्या है? द मशीनरीज, द सीड्स, द केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, राइट? प्रोसेस के अंदर क्या स्टेप्स है? प्लॉगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, एंड फाइनली आई गेट माई आउटपुट विच इज माई क्रॉप्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. वाइल फर्दर डिस्कसिंग मोर अबाउट द फार्म सिस्टम, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इनपुट इट रिक्वायर्स, राइट? तो इनपुट के अंदर क्या क्या डिविजन होगी? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इनपुट एज वेल एज द कैपिटल इनपुट. कैपिटल इनपुट के अंदर क्या आता है? लेबर आ गई, तो हमारी केमिकल आ गया. आई विल बी टेकिंग इट ताकि आपको आइडिया रहे कि कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है. लेबर हो गई, ह्यूमन है वो केमिकल सीड्स भी लेके आएगा, मशीन्स भी होंगी, स्टोरेज के लिए कुछ बिल्डिंग भी रहेगी उसके पास. ओके, सो ऑल ऑफ दिस विल कंप्राइज एज ह्यूमन कैपिटल. वेयर एज व्हेन आई से फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल क्या? जो एनवायरनमेंट, जो कौन सा टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है जो मेरे क्रॉप्स को सपोर्ट करेगा. एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल इनपुट्स आएंगे. फिजिकल इनपुट्स क्या क्या चाहिए मुझे? सन चाहिए, राइट? क्योंकि सन के बिना फसल कैसे पकेगी. देन एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, सर्दी होनी चाहिए, मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, राइट? एंड ऑल्सो द रेनफॉल, बिना रेनफॉल के कैसे काम चलेगा. एंड लास्टली जब मैं फिजिकल इनपुट की बात करती हूँ, आई हैव द सॉइल. सॉइल की बात करेंगे क्योंकि मेरी एग्रीकल्चर कहाँ कल्टीवेट होगी, मैं क्रॉप्स कहाँ कल्टीवेट करूंगी? ऑन दिस सॉइल, राइट? एंड ऑल्सो आई विल सी द स्लोप. स्लोप मतलब ढलान. क्या मेरा रीजन प्लेन है,
क्या मेरा रीजन माउंटेनियस रीजन में है कि डेजर्ट रीजन में है, कोई स्लोप तो नहीं है, क्या मेरी लैंड ऐसी तो नहीं है, अगर ऐसे स्लोप होगा तो मेरी फसल कैसे लगेगी उधर, है ना, क्योंकि सॉइल इरोजन होता रहेगा वरना. सो ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर द फिजिकल इनपुट. आई होप यू अंडरस्टूड कि फार्म सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट इनपुट चाहिए होते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं. पहले हमने पूरा प्रोसेस समझा कि कैसे हमें हमारी क्रॉप्स मिलती हैं, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट इनपुट्स किए इन फॉर्म ऑफ फिजिकल इनपुट एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फार्म सिस्टम लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. जब मैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोलती हूँ मतलब फार्मिंग किस किस तरह में तरीके से हम कर सकते हैं, राइट. तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फार्म सिस्टम लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, राइट, और इनको वन बाय वन समझेंगे. बट बिफोर दैट आप सोच रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग से आप मतलब क्या क्या मतलब है, कि क्या हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे. आंसर इज येस. व्हाई? क्योंकि हमें पता है फार्मिंग दो पर्पस के लिए हो सकती है. या तो वो इंसान खुद के लिए ही उगा रहा है चीज़ें, क्रॉप्स आर फॉर द पर्सनल कंजम्पशन ऑफ द पर्सन, या फिर उससे वो कुछ इनकम के सोर्स के लिए उगा रहा है, वेदर इट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पस, राइट. देयरफॉर आज हम बात करेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग एज वेल एज द कमर्शियल फार्मिंग. कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, इट इज़ द सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जब कोई फैमिली की नीड फुलफिल करने के लिए खेती करता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत गरीब किसान है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो खेत में गेहूँ लगाता है. ओके, चावल लगाता है. क्यों? ताकि गेहूँ चावल उसको बाजार से ना खरीदना पड़े और उसकी फैमिली की नीड फुलफिल हो जाए. अगर मेन प्रायोरिटी, मेन एम फार्मिंग का इज़ टू फुलफिल द नीड ऑफ द फैमिली, देन इट इज़ कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द फैमिली. अपने परिवार की नीड फुलफिल करने के लिए अगर खेती की जाए, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर. इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है? काफ़ी लो है. हाउस होल्ड लेबर, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दे आर वर्किंग द फील्ड एज हाउस होल्ड लेबर. भाई घर वाले लोग ही काम कर रहे हैं. एंड ऑल्सो जब हमने प्रोसेस किया था इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, जो फसल निकल के आती है, आउटपुट फार्मिंग जो खेती का क्या रिजल्ट निकल के आया, दैट आउटपुट हियर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्मॉल, कम आउटपुट होता है. ओके, नाउ इतना समझने के बाद व्हेन वी टॉक मोर अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं. एक पार्ट है इंटेंसिव और दूसरा है प्रिमिटिव. सो प्रिमिटिव से तो आपको समझ में आया होगा, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम में कैसे होती थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस मतलब आज के टाइम पे कैसे होती है. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द साइज ऑफ द प्लॉट, जो लैंड एरिया है वो क्या है? स्मॉल. टूल्स कैसे यूज करते हैं? सिंपल. और क्या ज्यादा यूज होते हैं मशीन की लेबर? इट इज मोर ऑफ लेबर. आई बात समझ में? अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन टू द पॉइंट्स वेरी केयरफुली. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के अंदर साइज ऑफ द प्लॉट इज स्मॉल, टाइप ऑफ टूल्स आर सिंपल. कि टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था ना, सब्सिस्टेंस में हम लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसलिए हाई एंड मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी यहाँ यूज नहीं होगी. एंड ऑल्सो हमने क्या पढ़ा था कि जो हाउस होल्ड लेबर होती है, घर के लोग ही काम कर रहे होते हैं, देयरफॉर इट डिपेंड्स मोर ऑन द लेबर, ज्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए. ओके, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप पर ईयर, साल में एक से ज्यादा फसल उगाई जाती है. ओके, सो ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप पर ईयर, ये नहीं है पूरे साल में सिर्फ वीट ही उगाएंगे. देयर आर मोर देन वन क्रॉप्स दैट आर बीन ग्रोन इन द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग. ओके,
When we talk about the crops, अभी पता चला कि एक से ज्यादा फसल होती है. So rice, if I talk about rice, rice is the main crop. अगर मैं बोलूँ सबसे important और major crop क्या है, rice. And what are the other crops? क्योंकि एक फसल से ज्यादा फसल उग रही है. Other crops are like wheat, maize, pulses, etc. Okay? And lastly, another important point. This type of farming, कौन से area, कौन से region में मिलती है ऐसे type of farming, कहाँ लोग practice करते हैं? Prevalent in thickly populated area, जहाँ population ज़्यादा है. Like that of Southeast Asia, Eastern Asia and etc. Okay, so these are the region where intensive subsistence farming is practiced. I hope the concept is clear. Now, let's see the other part of the subsistence farming, which is the primitive subsistence. Primitive मतलब पुराने time में कैसे subsistence farming होती थी. Okay, so इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, we'll further subdivide it into two parts. दो part के अंदर हम इसको divide करेंगे. One is shifting cultivation and other is nomadic hunting. नाम से idea हो गया होगा कुछ बच्चों को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. Let's see the types of primitive subsistence farming now. So let's discuss now the primitive subsistence agriculture. It is further subdivided into two parts, shifting cultivation and the nomadic herding. तो हम दोनों को समझेंगे. First, let's see the shifting cultivation. कहाँ practice किया जाता है? It is practiced in the areas of thickly forested areas, जहाँ बहुत ज़्यादा घना जंगल हो. Thickly forested areas. For example, like the tropical regions of Africa, northeastern regions of India, etc. Okay, जहाँ बहुत ज़्यादा घना जंगल होगा, thickly forested areas, वहाँ क्या होता था? Shifting cultivation. Also, अगर मैं बात करूँ, तो ये type of cultivation या agriculture या farming किस चीज़ पे depend करती थी? Rainfall होगा, climate होगा, ये तो सबका common है. लेकिन ये वाली जो टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, इट हैपेंड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल. भाई जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हो. सेकंड कंडीशन पता चली. फर्स्ट कंडीशन क्या है? थिकली फॉरेस्टेड एरिया. सेकंड कंडीशन जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. एंड ऑल्सो वो वाला रीजन, वो वाला एरिया जहाँ रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता हो, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें दोबारा पेड़ पौधे फिर से उग जाते हो, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स है. क्योंकि फॉरेस्ट है, थिकली फॉरेस्ट है, ये तो है नहीं भाई एक ही पेड़ होगा जंगल में. सो ऐसे एरिया में जहाँ रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता हो. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि होता क्या था, यहाँ लोग कैसे प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, कि सपोज ये फॉरेस्ट है, यहाँ लोग रह रहे हैं पास में, दे विल कम एंड क्लियर द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, पेड़ काट दिए और इन पेड़ को जला देते थे. क्लियर्ड एंड बर्न्ड, पूरा जला देते थे और ये एरिया क्या होगा, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी. राख को, ऐश को सॉइल के साथ मिक्स कर, मिट्टी के साथ मिक्स कर देते थे. वो जो सॉइल है वो फर्टाइल हो गई. जब सॉइल तैयार हो जाती थी तो उसके अंदर क्या करते थे, क्रॉप्स सो करते थे, अपने बिजाई कर देते थे. एंड फाइनली जब क्रॉप्स पक के तैयार हो जाते थे, अपने क्रॉप्स लेके और इस एरिया को छोड़ के नेक्स्ट जो पैच ऑफ लैंड, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लैंड, पोर्शन ऑफ लैंड होता था फॉरेस्ट के अंदर, उसके साथ फिर से वैसे करते थे. दोबारा गए, थोड़ा सा एरिया क्लियर किया, बर्न किया, वहाँ जो ऐश को सॉइल से मिक्स किया और क्रॉप्स उगाए, फिर क्रॉप्स लेके अपना फिर आ गए. देयरफॉर ये प्रोसेस चलता रहता था. इसलिए इस टाइप ऑफ कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. भाई पहले तो हम काट देते हैं, स्लैश काट देते हैं एंड देन वी बर्न इट, जला देते हैं. ओके, सॉइल फर्टाइल हो गया, क्रॉप्स उगाए, फिर नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड को सिमिलरली ऐसे क्लियर कर करके वो अपनी कल्टीवेशन करते थे. अब आपको समझ में आया होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम क्यों दिया है. पहले एक छोटी सी जगह पे काम करते थे फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ तक फसल बन जाती थी, फिर नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड पे चले जाते थे. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोला जाता है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के बहुत हाइयर चांसेस है. एंड ऑल्सो इन योर फ्यूचर ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू अलॉट. तो अभी समझना है.
And if you guys are facing any type of difficulty in understanding the concept, kindly comment down in the comment section and I'll make sure I'll reach out to each one of you there. Okay, now talking more about the shifting cultivation. भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि एक नाम है स्लैश एंड बर्न, अदर नेम क्या है, एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको डिफरेंट नेम्स पता होने चाहिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, लाइक दैट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज बाय द नेम जुम्मिंग. मेक्सिको में इट इज़ नोन एज मिल्पा. ब्राज़ील के अंदर इट इज़ नोन एज रोका. एंड मलेशिया में इसका नाम है लद्दाख. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में भी आता है और आपको आगे भी काम आएगा, इनको लर्न करना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से एरिया में होते हैं, कंडीशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और उसके डिफरेंट नेम्स क्या है. अगेन आई एम रिपीटिंग डिफरेंट नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. स्लैश एंड बर्न, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इट इज़ नोन एज जुम्मिंग, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका एंड मलेशिया में लद्दांग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग के अंदर क्या आएगा, एक तो पुराने टाइम में होती थी ये टाइप ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना, तो पुराने टाइम में होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ क्या कौन से एरिया में प्रैक्टिस की जाती है. इट इज़ प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, थोड़ा सूखे में या सेमी सूखे रीजन में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. एग्जाम्पल क्या है, लाइक दैट ऑफ सहारा रीजन, सेंट्रल एशिया रीजन, और इंडिया में मैं बात करूँ तो इट इज़ प्रैक्टिस इन दी स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड कश्मीर. आप रिलेट कर पा रहे हो कि राजस्थान और कश्मीर क्यों, क्योंकि राजस्थान में हॉट डेजर्ट है हमारा और कश्मीर में हमारा कोल्ड डेजर्ट है. या आपने सेवेंथ क्लास में कॉन्सेप्ट किया था डेजर्ट का, आई होप यू रिमेंबर. देन कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, नोमैडिक हर्डिंग. इधर क्या होगा, हर्डर्स तो होंगे. हर्डर्स कौन है, जो इंसान जो पशुपालन करते हैं. विद द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अपने पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, लाइक दैट ऑफ द बंजारा पीपल दैट यू सी इन योर डेली लाइफ. जब हम देखते हैं रोड साइड पे काफ़ी सारे जो बंजारी लोग आए होते हैं, वो टेंट लगा लगा के रह रहे होते हैं, उनके साथ उनकी बैलगाड़ी, गुलोकार्स, ये सब भी लेके, एनिमल्स भी लेके आए होते हैं, गोट वगैरह ऐसा, राइट. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज नोमैडिक हर्डिंग. भाई हर्डर्स विद देयर एनिमल्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जगह जगह क्यों जाते थे, ऐसे मूव क्यों करते रहते, एक परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं है इनका, बिकॉज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड फोडर, अपने लिए खाना पानी और अपने पशुओं के लिए चारा ढूंढते हुए जगह से जगह चलते हैं. एंड दिस इज नोन एज नोमैडिक हर्डिंग. जब मैं बोलती हूँ एनिमल्स, एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स रखते हैं ये, लाइक शीप, कैमल, याक, गोट्स. फर्दर ये एनिमल्स इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या फायदा है एनिमल्स रखने का, पशुपालन का, हर्डिंग का क्या फायदा है, because the animals provide them with milk, meat, wool to the herder's family. I hope you got the concept. And also ये जब जगह से जगह move करते हैं, their movement depend upon the type. अब ये कौन कौन सी जगह move करते हैं, it depends on the climate, temperature and the terrain. Terrain means type of land, भी कैसा है. तो it depends, the movement depends upon all the three factors. I hope the concept is clear. I am again showing you the whole of the concept so that you guys can take the screenshot and make notes, okay? Because this is a very important concept. Again, I am repeating and you guys must be very well aware of the concepts, okay? So, I hope you must have taken the screenshot by now. Let's move ahead. So, that's it for today's video, guys. In my next video, I'll be sharing the concept regarding the commercial farming. But before I end this video, it's time to tone up your brain. Remember, this section helps you to know what you have gained from this video. You need to answer all these questions in the comment section along with your name. Number one question is, write down the other names for shifting cultivation. And second question says, define subsistence farming, shifting cultivation and nomadic herding.
So thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also guys, like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh.